कोई नई चाल बताओ। इन सारे तीर कमानों से अब काम नहीं नहीं चलने वाला। कोई नया पत्ता फेंको सरदार, नया पत्ता। वोट लिया फेंको। अब ये उठली बांध बांध के क्यों चला रहे हैं तीर? चलिए हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। शहंशाह में लग रहा है कि जरूर ये लोग हर पोटली के साथ अपना माफीनामा भेज रहे हैं हमारी ओर। पर शहंशाह, हमें इतने हल्के में नहीं लेनी चाहिए इनकी ये चाल। या अल्लाह, नहीं। आचार्य जी, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं तुरंत मारवाड़ जाकर अपने दादा भाई राम सिंह जी से मेवाड़ के इस संकटपूर्ण स्थिति में मारवाड़ के पूरे सैन्य सहयोग के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। चंद्रसेन जी, आप अपने दादा भाई का दृष्टिकोण तो जानते ही। उन्होंने अकबर के साथ मैत्री संधि कर रखी है। ऐसे युद्ध में भला ही वह सीधे स्तर पर अकबर का साथ ना दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह अकबर के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे। और इस बार तो अकबर ने बहुत गहरी चाल चली है, दिखावटी तौर पर ही सही, किंतु इस मैत्री संधि का आरंभ कर उसने समस्त राजपुताने में अप्रोक्ष रूप से ये संदेश दिया है कि वह राणा जी के साथ मैत्री करने के लिए तत्पर है, किंतु राणा जी की ही उसकी मैत्री में कोई रुचि नहीं है। तो भला क्यों वह अपने विद्रोही राजा को ना दबाए? आप क्या करते हैं आचार्य जी? प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, समस्या ये है कि इस समय मेवाड़ में शोक है और राणा प्रताप भी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं। ऐसे में मात मुट्ठी भर भील और अफगान मुगल की सेना को कब तक रोक पाएंगे? कम से कम हम वहां जाकर मनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। अपने दादा भाई को ये तो याद दिलाऊं कि राणा प्रताप जवाई है, मेवाड़ी है, संधि है वो मारवाड़ की। हमारी बच्ची फूल का ससुराल है मेवाड़, जो इस समय शोक में डूबा हुआ है, संकट से गिरा हुआ है। आप ही बताइए, ऐसे में मात्र मुट्ठी भर भील और अफगान कितने समय तक रोक लेंगे मुगल की विशाल सेना को? यदि आपको लगता है कि आप अपने दादा भाई का दृष्टिकोण बदल सकते हैं, मारवाड़ को मेवाड़ की सहायता के लिए मना सकते हैं, वापस चाहिए, प्रयास करने में तो हानि नहीं है। हम आपको मेवाड़ की ओर से आधिकारिक रूप से राजकीय दल बना के भेजते हैं। काला जी और भीम सिंह जी को भी इस मैत्री दल में अपने साथ लेके जाइए। जी आचार्य, परंतु झाला जी और भीम सिंह जी है का? प्रताप, हम तुम्हें गंगा में ही समाधि देंगे।
कैसा सा फसलार भेजा है तुमने वहां? मच्छर मक्खियों की मानिंद मर रहे हैं हमारे सारे सिपाही। शहंशाह, हमें लगता है कि हमारे पास है इसका एक तोड़। इन मुगलों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इन पर हमला कैसे और कहां से हो रहा है। देखिए सरदार, सबके सब कैसे बौरा गए हमारी पोटलियों से। अच्छी बात है। मारे जाएंगे अपनी ही मूर्खता के कारण, हम सब मारे जाएंगे। देखा शहंशाह, संकट में कितने काम आ सकते हैं हम राजपूत। पिताजी, कब तक इन सादे तीरों से सामना करेंगे? देखिए सारा तेल भी बिखर रहा है। इस धरती पर गिरे तेल का लाभ उठाकर हम मुगलों को हानि पहुंचा सकते हैं। कपड़ा लाओ जितना भी है हमारे पास। कपड़ा क्या करेंगे सरदार? दारुण, ये वार्तालाप का समय नहीं, जितना कहूं बस उतना करो, जाओ। सुना मारवाड़ जा रहे हैं आपका कुसा। हाँ पुल, हम आपसे मिलकर आपको सब कुछ बता नहीं पाए, इसका बहुत दुख है हमें। परंतु सच ये भी है कि हम आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। यकायक इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आ गया है। एक और अमर सिंह जी को संभालना, तो दूसरी ओर महारानी सा के पद का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है, और फिर सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरना। पता नहीं कैसे इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाती हैं। हमसे जो हो पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं काकुस, और हार मानने से तो क्या होगा। इसीलिए हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उसका धैर्य के साथ सामना करने का प्रयास करते हैं। और अभी भी आपके पास हम एक ऐसी चुनौती का सामना करने आए। हम कुछ समझे नहीं फूल। ये पत्र हमने ताजीराज के लिए लिखा, कन्यादान तो किया नहीं था उन्होंने हमारा यहाँ के लिए, किंतु अब यही उनकी बेटी का घर है जो अभी संकट में घिरा हुआ है। इस पत्र में हमने उनसे निवेदन किया है कि वो आके हमें इस संकट से बचा। आप ये पत्र ताजीराज को दे देना काकुस, फिर देखें जैसा हमारा भाग्य। हर हर महादेव। देखा, कपड़ा डूब गया अच्छी तरह तेल में। जी पिताजी। अब इस कपड़े के दोनों तरफ पत्थर बांधो और फेंकू गलेल पर लेकर जाओ। बलिदानियों के लिए अभी शोक मनाने का समय नहीं है हमारे पास। कपड़ा फेंको।
ये क्या जादुई कालीन उड़ा चला रहा है जनाब? हमें उदयपुर के प्रवेश स्थल पर सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए, क्योंकि यदि भील और अफगान मुगलों की विशाल सेना को रोकने में असमर्थ रहे तो उन्हें रोकने के लिए हमें भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके साथ साथ हमें हमारे सहस्त्र नागरिकों को सुरक्षित स्थान देना होगा बचने के लिए। हमारा सुझाव है कि इसी समय हमें उन सबको राजमहल के भीतर ले लेना चाहिए। नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें पता है आप लोगों को लग रहा होगा छोटा मुंह बड़ी बात, पर फिर भी हमने कई बातें कुछ बार सुनी है दाजीराज के मुंह से। उनमें से एक थी ये कि युद्ध काल में कभी भी प्रजा को दुर्ग के अंदर नहीं लेना चाहिए, और दाजीराज कहते थे ये हमारे चित्तौड़ युद्ध की सबसे बड़ी भूल थी। इसका अंत क्या था? हमारी सारी प्रजा मुगलों का शिकार हो गई और तब कोई नहीं रोक पाया था उस नरसंहार को। अमर सिंह जी उचित कह रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा हेतु उन्हें निकटवर्ती जंगलों में भेजना आरंभ किया जाए, किंतु इस कार्य के लिए यदि कुछ विलंब भी किया जाए तो कोई हानि नहीं है। संभव है कि चंद्रसेन जी मारवाड़ के उत्साहजनक उत्तर के साथ मारवाड़ की सहायता भी लेते आए। उर्फ मुगल, तुझे क्या लगा? हमारे राणा जी रानी सा का पिंड दान करने गए हैं, तो उनके पीछे से तू हमारी मातृभूमि पर अधिकार जमा लेगा, छीन लेगा तू हमसे? नहीं मुगल, ये मेवाड़ है और मेवाड़ का हर बच्चा अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए तत्पर रहता है। हम भील अपनी रक्त के अंतिम बूंद तक अपनी मातृभूमि पर तुझे नहीं आने देंगे। और याद रख, एक बार राणा जी शोक से बाहर आ गए वो दिन दिन आगरा में तुम्हारी शोक का आरंभ होगा। हुकुम दीजिए, हम अभी इन पहाड़ी चूहों को जाकर कुचल के रख देते हैं।
इनकी संख्या को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं, सब पीछे हट जाओ। चलो पीछे हट जाए, ये क्या बोल रहे सरदार? अरे ये तो हम भीलों की नाक कटवाने वाली बात हो जाएगी। ऐसी ही हार माननी थी तो हम लड़े क्यों? ये मुगल सेना हमें कायर समझेगी सरदार। हम यही तो चाहते हैं, ऐसा ही सोचे मुगल हमारे बारे में। चलो शहंशाह, ये भील तो लगता है डर गए हमसे। देखिए किस तरह से दुम दबाकर भाग रहे हैं वापस। पर इन्होंने हमारे 10,000 सिपाही मार दिए हैं शहंशाह। क्या मानसिंह जी, 10,000 सिपाहियों का माता मना रहे हैं? दो लाख की फौज लेकर आए हैं हम यहां, 10,000 होते ही कितने हैं, है कि नहीं? इस समय आपसे अनाया संपर्क करने के लिए क्षमा चाहते हैं राणा जी, पर क्या करें, ये बुरी खबर भी देनी आपको अति आवश्यक है।